नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इस जानकारी का सीधे तौर पर आपको फायदा भी पहुंचता है। तो आज सबसे पहले जो विषय आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे, वो विषय आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। आज आपको हम जानकारी देंगे कृषि यंत्रों के रखरखाव के बारे में, और साथ ही अगर बात की जाए अनाज भंडारण को लेकर भी आपको जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आप अनाज का भंडारण कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आप इसको भंडारित कर सकते हैं। लेकिन खासतौर से अगर कृषि यंत्रों की बात की जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण कि आप उनकी समय रहते देखभाल करें, उनका बेहतर ढंग से रखरखाव कर सकें। और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-11-3061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। और जैसा कि हमने आपको बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हमारे किसान भाई हैं कृषि यंत्रों का रखरखाव ज़रूर करें। और अभी जैसा कि हमने देखा, और कहीं कहीं पर तो अभी भी जो गेहूँ की कटाई है, थ्रेशिंग का काम है, वो चल रहा है। ऐसे में डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी है, और सबसे पहले अगर हम बात करें क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारे कृषि यंत्र हैं उनका रखरखाव अच्छे ढंग से किया जाए। देखिए, कोई भी यंत्र, कोई भी औजार, कोई भी मशीन, अगर हम उसका रखरखाव अच्छी तरह से करेंगे तो वो लंबे समय तक कार्य करेगी। ना केवल कार्य करेगी बल्कि सुचारू रूप से कार्य करेगी, जो भी उससे हम चाहते हैं उस तरह से वो कार्य करेगी। दूसरा, उसकी मरम्मत पर, उसके रिपेयर पर जो खर्चा होगा वो बिल्कुल नहीं होगा जी, और आपके समय की हानि भी नहीं होगी। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि आपने जैसे अभी थ्रेशिंग खत्म हुई है, मैं कहूँगा कि थ्रेशर्स से जैसे आपने काम ले लिया, अब उनका जो उपयोग होगा वो अगली फसल के अंदर होगा जी। अगर हमारे किसान भाई थोड़ा ध्यान रखें कि उस थ्रेशर को अच्छी तरह से साफ कर लें, अगर हो सके तो पानी से धो लें, अगर आपके पास हवा का साधन है तो हाई प्रेशर हवा भी उसके अंदर मार सकते हैं जी। उसकी जालियों की अच्छी तरह सफाई कर लें, क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, जो भी अनाज और हमारी फसल का जो मटेरियल है, उसके अंदर एक ये टेंडेंसी रहती है कि वो नमी को एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल। और इसमें बहुत सारी धातु की या मेटल की शीट्स हैं, जब वो नमी को एब्जॉर्ब करता है तो इस मेटल की शीट के ऊपर वो जंग भी लगा देता है, यानी नमी के संपर्क में आती दिक्कत, हाँ, आते ही दिक्कत हो जाती है जी। तो अगर हम उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखेंगे और जहाँ पे जंग लगने की संभावना है, अगर हम उसके ऊपर जंग प्रतिरोधक जैसे कि आजकल रेड ऑक्साइड का पेंट है वो कर दें, या ग्रीस लगा दें, या पुराना तेल लगा दें उसकी जालियों पर, तो उससे उसके अंदर जंग नहीं लगेगा और अगले सीजन में जब किसान भाई उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉपरली सुचारू रूप से कार्य करेंगे जी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका जो असर है, क्योंकि मान लीजिए अगले सीजन में वो मशीन आपकी ठीक तरह से काम नहीं कर रही तो उसको तुरंत हमें मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, और उस सीजन में कई बार मैकेनिक बहुत बिजी होते हैं, काफ़ी वो व्यस्त रहते हैं, तो उस समय हो सकता है वो मशीन आपकी इतनी जल्दी ठीक ना करे और आपका समय का भी नुकसान होगा, क्योंकि आपको असली अगली फसल के लिए थ्रेशिंग करनी है जी। और दूसरा, आपको काफी खर्च भी करना पड़ेगा, यानी हम मान सकते हैं जो छोटी छोटी सावधानियां हैं आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। इसलिए बेहद जरूरी कि आप कृषि यंत्रों का रखरखाव अच्छे ढंग से करें, बेहतर ढंग से करें। कार्यक्रम में आगे बढ़े, आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश की बढ़ती हुई आबादी की खाद्य समस्याओं को हल करने के लिए सघन खेती अति आवश्यक है। इस विधि से एक ही खेत में एक वर्ष में कई फसलें ली जा सकती हैं। इसके लिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा तथा पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ समय पर कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी अति आवश्यक है। ये किसानों के हाथ पैर होते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रायः सभी कार्य कृषि यंत्रों से करना संभव है, जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई और भंडारण आदि। किसी भी कृषि यंत्र की आयु और इसके द्वारा किया गया कार्य उस यंत्र की देखरेख पर निर्भर करता है। यंत्रों को जितनी सावधानी से प्रयोग करने की बात रखा जाएगा उतना ही अच्छा कार्य वो देगा और उसी के अनुसार टिकाऊ होगा। यदि अच्छी देखरेख की जाए तो शायद ही कभी कठिनाई होगी। सभी प्रकार के यंत्रों की कठिनाइयां इंजनों में ही होती हैं। Thank you.
तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आपके पास कृषि यंत्र हैं आप उनका बेहतर ढंग से रखरखाव करें। और फिर ये कहना गलत नहीं होगा डॉक्टर आदर्श, अगर हम कुछ भी कृषि कार्य करते हैं, अगर बात करते हैं रोपाई की बात की जाए, कटाई की बात की जाए, मढ़ाई की हम बात करते हैं, हर एक काम में कहीं ना कहीं मशीन की जो आवश्यकता है, या हम कह सकते हैं जो मशीन का महत्व है, वो किसान जानने लगे हैं। इसलिए अधिक संख्या में हम देखते हैं कि जो कृषि यंत्र हैं, मशीनें हैं, इनका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन खासतौर से अभी का जैसे हमने देखा रबी का जो सीज़न खत्म हुआ, वहाँ पर जो फसलें थी उनकी कटाई के दौरान भी, थ्रेशिंग के दौरान भी आपने बताया कभी कभी जो कुछ फसलों के अवशेष हैं वो रह जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे में कई तरह की हम जो मशीनें हैं, यंत्र हैं, कई तरीके से चलते हैं, क्या जो हम किसान हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जो ट्रैक्टर चलित हो सकते हैं, कुछ जो हाथों से भी चलाए जाते हैं, या इसके अलावा कुछ कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं बिजली से जो चलित होते हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर कुछ सावधानी रखनी होगी? बिल्कुल जी, मैं तो कहूँगा कि अगर हम इनको क्लासीफाई करते हैं ऐसे यंत्रों को, कुछ औजार हैं जो हम हाथों से चलाते हैं जी, वो मानव शक्ति से चलते हैं, लेकिन उनका भी महत्व कम नहीं है। बिल्कुल, मान लीजिए कि हम एक दराती यूज कर रहे हैं और दराती के अगर पैनापन कम है तो जो कटाई है वो प्रॉपर नहीं होगी जी। तो उसके पैनेपन को बनाए रखने के लिए उसके अंदर एक हैंडल है जो प्लास्टिक का है या लकड़ी का है, अगर हम इस यंत्र को बाहर छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि प्लास्टिक सूर्य की नौकरी रोशनी के संपर्क में आने से भुरभुरा होके खराब हो जाए, या लकड़ी फूल जाए जी, या जो उसका ब्लेड है उसके ऊपर जंग लग जाए। तो बहुत छोटी 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 चीजें हैं, अगर हम उनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उनका भंडारण करते समय जब हम उनको अलग रख रहे हैं तो हम उनको एक जगह छत के नीचे रख दें तो इन सब चीजों से बचाया जा सकता है। और कई बार ये भी होता है कि ये चोट का कारण भी बन जाते हैं, मान लीजिए इधर उधर पड़े हैं तो किसी बच्चे ने उसको इस्तेमाल कर लिया या उसके साथ खेलने लग गया, तो कई बार वो भी चोटिल हो जाते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हो जाता है अगर आप इसको प्रॉपरली स्टोर करेंगे, उसका भंडारण प्रॉपरली करेंगे जी। तो उसके बाद आपके बैलों से चलित काफी सारे उपकरण हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी घूमने वाली चीजें होती हैं या फाले हैं, अगर हम उनको जंग से बचाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम ग्रीस या तेल लगा सकते हैं, जहां भी कहीं पे तेल का उपयोग होना है वहां पे हम तेल डाल सकते हैं, जहां कोई घूमने वाली चीजें हैं उनके ऊपर हम ग्रीसिंग कर सकते हैं। इसी तरह जो ट्रैक्टर चालित यंत्र हैं उनकी भी देखभाल उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपने पूछा कि बिजली से काफी यंत्र हैं जो चालित हैं और वो नॉर्मली एक जगह पर रहकर चलते हैं जी, वो ज्यादातर मूवेबल नहीं है हमारे यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या मोटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका कलपुर्जा है। मान लीजिए थ्रेशर है कोई, अगर वो मोटर से चल रहा है और आपने उसकी धुलाई करी है तो आप मोटर को पूरा कवर कर दें, उसको पॉलिथीन से ढक दें जी। जब भी आप इनका भंडारण करें, मैं ये किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप इन सब को छत या कमरे, बरामदे या किसी गैरेज नुमा स्थान पर रखें जी। इससे इनकी जो लाइफ है, इनका जो सुचारू चलने की समय है वो काफी बढ़ जाएगा जी। और इसके अंदर आपको बाद में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो परेशानियां बहुत कम आएंगी जी, नहीं तो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये बाद में आपको बहुत परेशान करती हैं, उनका समाधान निकालना पड़ता है और उसे काफी, जैसे मैंने पहले बोला, उसे व्यय भी होता है और आपका समय का लाभ नुकसान भी होता है। बिल्कुल, तो देखिए ना सिर्फ जो आपकी लागत है वो बढ़ जाती है बल्कि जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें भी आपको उस समय में आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रखरखाव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ समय जो है वो ज़्यादा खर्च होगा बल्कि लागत भी आपकी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ रबी के मौसम में जो फसलें जिनकी कटाई की जाती है उनका भंडारण भी विशेष तौर पर हमारे किसान भाई रखरखाव करते हैं, ना सिर्फ कृषि यंत्रों का बल्कि जो अन्य भंडारण की हम बात करते हैं उसके लिए भी वैज्ञानिक विधि है। क्या वो विधि है, आइए जानते हैं। इन दिनों रबी की फसल में कटाई और गहाई का वक्त चल रहा है। इस समय किसान गेहूं, चना, उड़द जैसी फसलों की कटाई कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को चाहिए वो अच्छी तरह से तैयार फसलों की कटाई समय पर पूरी कर लें। किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हरी फसल ना काटें, क्योंकि ऐसा करने पर उसके सड़ने का खतरा हो जाता है और साथ ही ऐसी फसल की गहाई में भी परेशानी आती है। किसानों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि फसल बहुत अधिक ना सूखे, ज्यादा सूख जाने पर दाने झड़ने का खतरा बना रहता है। बहुत से किसान फसल की कटाई और गहाई यानी दाना निकालने का काम करने के लिए आज भी पुराने तौर तरीकों का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका असर ये होता है कि किसान की कुल उपज में कमी आ जाती है। गहाई के बाद किसानों को एक और समस्या का सामना करना पड़ता है और वो है फसल का सुरक्षित भंडारण। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कटाई गहाई के बाद फसल का रखरखाव समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। कीट और रोगग्रस्त फसल की छटाई कर उसे भी मुख्य फसल में मिलने नहीं देना चाहिए। ये भी आवश्यक है कि अनाज भंडारण करने से पहले कोठियों को साफ सुथरा तथा कीट रोग रहित कर लिया जाए। अनाज की बोरियों का भी सूखा और साफ होना आवश्यक है।
तो खासतौर से जिस जगह आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं वो जगह पूरी तरीके से, ना सिर्फ स्वच्छता का आपको ख्याल रखना होगा बल्कि ये भी ध्यान देना होगा कि वहाँ पर किस तरह के जो कीट हैं वो ना हो। और डॉक्टर आदर्श, अगर देखा जाए तो दोनों ही अगर विषय की हम बात करते हैं, अगर आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं तब भी, और खासतौर से जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नमी जो है एक प्रमुख कारक है। हाँ, नमी क्योंकि ये कीड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है जी, और उससे नुकसान होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगर आप अनाज को भी स्टोर कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें कि वो मेटल से बना हो जी, या अगर आप कोई और कोठी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ हो, सूखी हो। अगर उसके अंदर कहीं दरारें हैं तो वहाँ आप केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं जी। उसके लिए खास तरह की नोज़ल का इस्तेमाल करिए, जो नोज़ल हम पेड़ पौधों को छिड़काव करने के लिए करते हैं उनका ना करें, जो एक पिचकारी नुमा हो जो अंदर तक उन दरारों में जा सके, उस तरह की नोजल का इस्तेमाल करिए। वो जो केमिकल अंदर जाएगा वो कीड़ों को और उनके अंडों को दोनों को ही नष्ट कर देगा, उससे किसान भाइयों का नुकसान जो है भंडारण में बहुत कम हो। बिल्कुल, कैसे आप अच्छे से भंडारण भी कर सकते हैं अपने अनाज का। लेकिन डॉक्टर आदर्श, खासतौर से जो हमारे अनाज कृषि यंत्रों का रखरखाव करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए तो थोड़े से गंभीर नजर आते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर छिड़काव भी करना है वो भी एक कृषि यंत्र है, कृषि उपकरण है, क्या वहाँ और किस तरह की सावधानी की आवश्यकता होती है? देखिए, जो ये केमिकल छिड़कने वाली मशीनें हैं जी, वो हम लोग ज़्यादातर पीठ वाली हैं, जो पीठ पे लाद कर नैपसैक जिनको बोलते हैं जी, वो बहुत हल्की हैं, उनको हम कहीं भी छोड़ देते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं जी, जैसे आजकल जो टैंक है वो भी काफ़ी प्लास्टिक के बने रहते हैं। अगर वो सूर्य से आप एक्सपोज कर देंगे उनको तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे जी। दूसरा, उसकी बात जो नोज़ल हैं उसके अंदर अगर केमिकल रह गया तो वो भी ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह जो पाइपें हैं जिसके अंदर से ये स्प्रे निकलता है, उसके अंदर भी सूर्य की रोशनी से ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आपने किसी यंत्र को इस्तेमाल किया है, छिड़काव वाले को, इस्तेमाल करने के बाद आप साफ पानी से उसको एक बार फिर चलाएं जी, जैसे कि उसका सारा केमिकल जो है उस मशीन का निकल जाए, उसकी नोजल पूरी तरह साफ हो जाए, पाइपें पूरी साफ हो जाएं, जो उसके स्ट्रेनर हैं, जालियां हैं, जो उसका टैंक है वो पूरी तरह से साफ हो जाए, और कोशिश करें कि नोजल के जो छेद हैं उसके ऊपर आप कुछ लगा दें जिससे उसके अंदर कोई कीड़े वगैरह ना घुसे, अदरवाइज वो उन जो ओपनिंग्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। और इनको आप फिर मैं कहूँगा कि छायादार या छत के नीचे रखें, इससे इनकी जो है समय सीमा बहुत बढ़ जाती है बिल्कुल इस्तेमाल करने की। देखिए, बिल्कुल आपको ना सिर्फ छायादार या सुरक्षित जगह आपको ज़रूर उनको रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उनको खुले में छोड़ दें, नुकसान जो है आपको कृषि यंत्रों में भी हो सकता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो लागत है वो आपकी बढ़ जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर आदर्श जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि भी आपने बताया थ्रेशर का बताया और कई ऐसी मशीनें कंबाइन की भी अगर खासतौर से हम बात करते हैं, क्योंकि इनकी लागत कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होती है और लगभग जब कटाई का सीज़न आता है तभी ये मशीनें हमें नज़र आती हैं, लेकिन और किस तरह से इन बड़ी बड़ी मशीनों का जो हमारे किसान भाई हैं वो ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कई तो पुर्जे ऐसे होते हैं शायद जिनके बारे में किसानों को ही जानकारी नहीं हो पाती। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको थ्रेशर में बताता हूँ कि मान लीजिए आप अगर थ्रेशर रख रहे हैं, एक बार आप चला के देख लीजिए, अगर कोई हिस्सा घिस गया है या कोई नट बोल्ट उसके ढीले हो गए हैं या कुछ हिस्से गिर भी जाते हैं जी, तो आप कोशिश ये करें कि उन सबको बदल दें और जो घिसे हुए हिस्से उनको बदल दें, अगर कोई हिस्सा गिर गया है तो उसको रिप्लेस कर दें, अगर कोई नट बोल्ट ढीले हैं तो उनको कस दें, अगर आपके उसके अंदर कुछ पट्टे हैं या बेल्ट्स हैं उनको आप निकाल लें, स्टोर करने से पहले निकाल लें, भंडारण करने से पहले, तो उनकी लाइफ काफ़ी बड़ी रहेगी। अगर वो टायर हैं उसके अंदर हवा अच्छी तरह भर दें, अगर आप उनको थोड़ा ऊपर उठा के रख सकते हैं ज़मीन से तो वो एक ज़्यादा और फायदेमंद है, उसे टायर ख़राब नहीं होते जी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि उनको लकड़ी के ऊपर रखें, जैसे कि नमी के कांटेक्ट उनका थोड़ा कम रहे जी, नमी के संपर्क में ना आए, तो उनकी लाइफ डेफिनेटली बढ़ेगी। और जैसे आपने कहा बड़ी मशीन है, मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर है जी, तो उसका भी हमें यही करना है कि पूरी तरह से उसको साफ सुथरा करना है, और अगर हो सके तो प्रेशराइज्ड एयर मारें उसके अंदर जी, या अगर धोना चाहें तो धो सकते हैं, उसके बाद धूप में रखें जिससे कि पूरी उसकी नमी सूख जाए, और कोशिश ये करें कि उसको छत के नीचे, अगर छत का प्रावधान नहीं है तो आप उसको ढक के रख सकते हैं तरपाल से या पॉलीथिन की मोटी शीट से, उससे उसके जो उसके अंदर गंदगी नहीं जाएगी और इस तरह से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और यही फॉर्मूला जो है देखिए अनाज भंडारण में भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है, आप उसको सुरक्षित जगह पर बिल्कुल रखें और कोशिश आप ये करें कि ज़मीन पर वो बिल्कुल छुआ ना हो, यानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के आप रखेंगे। लकड़ी पर भी हमारे किसान भाई रखते हैं और अधिकतर हम देखते हैं किस तरीके से जो बोरे हैं उनमें नीचे एक फट्टे लगाकर जैसे कि उसके नीचे हवा का सर्कुलेशन रहता है, नमी नहीं बनती, उसके ऊपर बोरियों को रखा जाता है जी, तो इस तरह का बाकायदा वो प्रावधान रहता है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसको हम उस तरह से कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, तो देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं कृषि यंत्रों का रखरखाव आपको कैसे करना है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए अनाज भंडारण की वो कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ रतलाम से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। सर
सर हम ये गेहूँ का हम निकालने के बाद हम जैसे कई इकट्ठा करते हैं जी, तो उसमें कोई गोली वगैरह आती होती है जिससे मिला सकते हैं, जिससे उसे कोई बीमारी ना लगे, उसे कोई जी जानवर ना लगे। चलिए बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि जब अनाज का भंडारण किया जाता है, अनाज निकाल लिया जाता है, तो उस दौरान किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं कि उसमें कीट जो है वो ना लगें। देखिए, एक तो जो नमी का स्तर है वो उतना रखना है कि वो थोड़ा दाना कड़क रहे जी, उससे आपको इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, कुछ जो दवाइयाँ हैं जो फ्यूमिगेंट्स हैं जो कि गैस के रूप में, उसको आप इनक्लोजर के अंदर रख सकते हैं, उससे भी ये कीट जो है वो नहीं पकड़ पाएंगे उसको जी। और या नीम की पत्तियाँ वगैरह आप बिछा के उसके ऊपर भी रख सकते हैं, अखबार बिछा के जी, तो उससे भी इसका आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इन सब चीज़ों। बिल्कुल, देखिए नीम की जो पत्तियाँ हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी जो कीट है वो आपके जो भंडारित अनाज है उससे दूर रहेंगे और आपका अनाज जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। साथ ही डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कृषि यंत्रों को, अगर हम खास तौर से देखते हैं और अब आने वाले समय में जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई तरह के जो ड्रिल हैं वो हमारे पास मौजूद हैं किसानों के लिए, धान की अगर खास तौर से बात की जाए तो उसकी रोपाई के लिए भी अब हमारे पास मशीन है, तो उनमें किस तरीके से अभी हमारे जो किसान भाई हैं रख रखाव उनका करना चाहिए? मैं कहूँगा जब इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार देख लें, जो भी उसके घूमने वाले हिस्से हैं, चलने वाले हिस्से हैं, उनको एक बार देख लें कि कोई ढीला तो नहीं है या कोई गिर तो नहीं गया। अगर कोई ऐसा है तो आप उसको रिप्लेस कर लें, जहाँ कहीं टाइट करना है वहाँ उसको कस लें, अगर कहीं पे ऑयलिंग या ग्रीसिंग होनी है वो कर लें। और मैं कहूँगा सीड और फर्टिलाइजर ड्रिल भी बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं जी, बिल्कुल। और सीड और जो फर्टिलाइजर हैं वो दोनों जो है नमी को फिर दोबारा आकर्षित करते हैं जी। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करें या इस्तेमाल करने के बाद जब भी आप उनको रखना है तो उनको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें जी। और जितनी उसकी पाइपें हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक पाइप रहती है, पीवीसी पाइप रहती है, इसको भी आपको अंदर ही रखें तो अच्छा रहेगा। और उनको अगर वो कहीं से मुड़ गई है तो कोशिश करें कि सीधा करके उनको रखें, उनको लगा दें जी, और थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा के रखें। बिल्कुल, ये यानी बेहतर रहेगा। हाँ, और जहां भी आपके ग्रीस के कप हैं या ऑयल का ऑयलिंग करने का प्रावधान है, आप ये सब करके उसको रखें जी, जाहिर तौर पर। और इसके साथ साथ डॉक्टर आदर्श, हम देखते हैं कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके लिए जो हमारे कृषि यंत्रों का उपयोग है वो एक रोजगार का जरिया भी है, क्योंकि कस्टम हायरिंग योजना की भी खास तौर से हम बात करते हैं, या कुछ ऐसे युवा हैं जिनका ना सिर्फ रुचि जो है वो मशीनी में ज़्यादा रहती है तो वो भी एक रोजगार के रूप में इनको अपनाते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो मशीनों का रखरखाव करें? देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अगर वो किसी तरह की ट्रेनिंग ले पाए इनके चलाने के लिए, रखरखाव के लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी तो पूरी आमदनी और निर्वाह उसके ऊपर होगा जी। बिल्कुल, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, कई इंस्टीट्यूट इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको चलाना है, कैसे इसका रखरखाव करना है जी। और जब भी आप उस मशीन का इस्तेमाल करें तो आप उसको डेली बेसिस पर उसका मेंटेनेंस करें। बिल्कुल, क्योंकि आपको डेली चलानी है और लंबे समय तक चलानी है जी। तो अगर आप मान लीजिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख लें कि बिल्कुल ठीक ठाक है, उसका जो मीटरिंग सिस्टम है, उसके फ्लूटेड रोलर हैं, वो कहीं से कोई ख़राब तो नहीं हो गए, या सारे ठीक तरह से घूम रहे हैं, या उसके जो शाफ्ट्स हैं उसके अंदर प्रॉपर ऑयलिंग है जी, या जो भी उसकी चेन एंड स्प्रॉकेट है जिससे कि जो पावर सप्लाई करता है वो बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर तनाव ठीक है जी, या जो आपका ग्राउंड व्हील है और उसको जोड़ रखा है जी, जो पावर सप्लाई को जोड़ता है, उनको आप पूरी तरह से ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, उसे लंबे समय तक आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, लंबे समय तक जो आपकी कृषि यंत्र हैं वो अच्छे चल पाएंगे, लागत आपकी जाहिर तौर पर वो बचा सकते हैं, समय भी बचाते हैं और समय का ख्याल हमें भी है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनका भी सवाल हम ले लेते हैं। कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? कैलाश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सर, मुझे मेरे पास अरहर की थोड़ा स्टोरेज है जी। हाँ जी, हाँ सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं? सुन पा रहा हूँ। तो मुझे अरहर के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, मेरे पास अरहर है जी। हाँ, तो उसका भंडारण है मेरे पास, उसको कीटों से बचाने के लिए कौन सी केमिकल या कोई और दवाई है बता सकते हो तुम? चलिए बिल्कुल, अनाज के भंडारण के बारे में शायद जो हमारे दर्शक जुड़े हैं वो जानकारी लेना चाह रहे हैं और किस तरीके से जो बचाव है वो उसका कर सकते हैं, क्योंकि किसानों की कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि खेत में जो है पूरी तरीके से समस्या ना आए, लेकिन जब वो भंडारित होकर उनके भंडार गृह में है या घर पर है तो वहाँ भी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर भी अब कम से कम कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि सूखा रहे, वहाँ पर नमी या पानी का फ्लो ना हो जी, अगर वो रहेगा तो फिर आपको कीटाणु और कीट जो हैं जी वो उत्पन्न हो जाएंगे जी। जहाँ तक केमिकल का है, ये आपको केमिकल जो भी आपके आसपास यूनिवर्सिटी है आप
वहाँ से जानकारी ले सकते जी। और बिल्कुल ना सिर्फ रसायन का प्रयोग करें बल्कि आपको स्वच्छता का भी ख्याल रखना होगा। जो आपका भंडार गृह है उसके चारों तरफ जो चार दीवारी होती है वहाँ भी आप अगर चाहें तो जो चूना है वो पूरी तरीके से लगा सकते हैं, जिससे पूरी जो आपकी दीवार है वो स्वच्छ रहेगी, तो जो कीट हैं उनके लिए जो जगह है वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल रहेगी नहीं, और आपका जो अनाज है वो सुरक्षित भी रहेगा। उसके साथ साथ नमी का आपको खासतौर पर ख्याल रखना होगा, नमी से आप जितना बचाए रखेंगे उसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। और ऐसा ही ख्याल आपको जो आपके कृषि यंत्र हैं उनमें भी रखना होगा, जिस पर लगातार हम डॉक्टर आदर्श यहाँ बात कर रहे हैं। डॉक्टर आदर्श, जैसा आप हमें बता रहे थे कि कुछ जो हमारी मशीनरी है उनमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ बीज बल्कि उसके साथ साथ खाद जो है उसका भी हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, और इन मशीनों के जरिए कृषि यंत्रों के जरिए जाहिर तौर पर लागत भी बचती है, समय भी बचता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब मशीनरी जो है किसी किसान को दी जाती है तो क्या उसके रखरखाव के लिए कोई विशेष सावधानियाँ या और कुछ जानकारी भी मुहैया कराई जाती है? कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जी, वो लोग कोई पैम्फलेट्स या कोई बुकलेट देते हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, वैसे ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते जी, अगर पढ़ लें तो उन सावधानियों को अगर फॉलो किया जाए तो शायद मशीन अच्छी तरह कार्य करेगी जी। तो इस तरह का अगर किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उससे इनको फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल, देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ भी दिक्कत अगर आ रही है तो ये ज़रूरी कि आप ज़रूर उस पेपर को भी पढ़ सकते हैं जो आपको दिए गए हैं, वरना आप अगर कोई भी कृषि आपका कृषि यंत्र है तो उसके लिए निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो वहाँ पर कृषि अभियांत्रिकी विभाग से जुड़े जो वैज्ञानिक हैं वो आपको पूरी इसकी जानकारी दे सकते हैं किस तरीके से आप अपने यंत्र का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, कभी कभी हम देखते हैं कि ना सिर्फ जो कृषि यंत्र हैं उनमें अगर वो बिजली चलित हैं तो उनमें कभी कभी समस्या ईंधन की वजह से भी आ जाती है, या खासतौर से अगर हमारे जो किसान भाई ट्रैक्टर चलित जो कुछ ऐसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं वहाँ भी उन्हें दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो दिक्कत को शायद भाप नहीं पाते और वो कहीं ना कहीं बड़ी एक समस्या बन जाती है जिसकी वजह से बड़ा एक नुकसान उन्हें हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको चलाते हुए नहीं पता चल रहा कि किसी मशीन के अंदर कोई कमी या कोई खराबी आ गई है, और आप उस मशीन को फिर भी चलाते रहते हैं तो उससे कुछ मान लीजिए शाफ्ट टूट गई या कोई और किसी कलपुर्जे का नुकसान हो गया, तो उस टाइम आपको नहीं पता चलता, तो बाद में पता चलता है कि आपने ये इस तरह का मेरे से इस तरह का जो काम था वो नहीं हो पाया, तो उस टाइम आपको चलाते हुए भी ध्यान रखना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि जब भी आप चलाएं उससे पहले एक बार मशीन का निरीक्षण कर लें, और जो जो चीज़ें उसके अंदर आपको लगती हैं कि कुछ खराबी है उसको आप सुधार करने का प्रयास करें तो उससे आपकी मशीन ठीक चलेगी जी। यानी अगर बिल्कुल सरल भाषा में हम कहें तो मान सकते हैं जैसा कि किसानों के जो उनके पास अपने वाहन है उसकी वो सर्विसिंग कराते हैं, तो ऐसा भी कृषि यंत्रों का रखरखाव वो कर सकते हैं, इस तरह का रखरखाव कर सकते हैं बिल्कुल जी। देखिए अगर आप बेहतर ढंग से रखरखाव करेंगे तो आपको बेहतर फायदा आपको मिल सकता है न कृषि यंत्रों से। फिलहाल हमारे साथ अगले दर्शक जो हैं बिहार से जुड़ चुके हैं, मुन्ना कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। आज सर गेहूं के बीज के भंडारण के बारे में जानना था जी, बताइए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ, गेहूं के बीज के भंडारण के बारे में जानकारी लेना था कि गेहूं के बीज को कैसे रखें गेहूं के बीज के लिए। चलिए बिल्कुल, ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जो बीज भंडारण है, क्योंकि हमारे कई ऐसे किसान हैं जो ना सिर्फ फसल उत्पादन करते हैं बल्कि उसके साथ साथ बीज उत्पादन भी करते हैं। उसके लिए जो केमिकल ट्रीटमेंट आप लोगों को वहाँ के आपके लोकल एरिया में सजेस्टेड है, मैं कहूँगा कि उस ट्रीटमेंट को करके आप रखिए, और एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट जो भी आपकी कोठी है उसके अंदर रखिए, उससे आपका बीज लंबे समय तक चलेगा और अगली बार उसके अंदर कोई आपको खराबी नहीं मिलेगी, आप उसको इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, यानी उपचारित आप उसको जरूर करके रखें, उपचारित बीज रखें आप जी, और तमाम बातों का ख्याल रखें। और खासतौर से हम देखते हैं क्षेत्र अनुसार जो अलग अलग उपाय हैं वो भी हमारे किसान भाई करते हैं, और कृषि यंत्रों में भी हम देखते हैं किस तरीके से कई ऐसे डॉक्टर साहब कृषि यंत्र हैं जो प्रचलित हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो मानव शक्ति द्वारा जो कृषि यंत्रों का जिनका प्रयोग किया जाता है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़े पैमाने पर उनका प्रयोग किया जाता है, होता है उनका। और किस तरीके से और उनमें सावधानी हमारे किसान भाई को रखनी? मुझे लगता है कि जो मानव चलित यंत्र हैं, अगर आप खुरपी से लेके दराती, फावड़ा जी, कुल्हाड़ी या निलाई गुड़ाई के जो यंत्र हैं, बहुत हद तक वो मानव चालित हैं जी, वो हैं तो बहुत सस्ते शायद, तो इसीलिए कई बार हम ये सोचते हैं कि ठीक है इनको बाहर ही छोड़ देते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जंग लगता है जी। अगर उनके ऊपर जंग लगेगा तो उनका भी जो आप समय है कार्य करने का वो कम हो जाएगा बिल्कुल, या जो उसके हैंडल हैं मान लीजिए जो उसके हत्थे हैं या वो बांस के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं या प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो उनका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए अगर आप कोई ज्वाइंट है
जहाँ पे जोड़ है जो ब्लेड को हैंडल के साथ जोड़ता है, अगर वो ढीला हो जाएगा तो आप उससे प्रॉपरली काम नहीं कर सकते जी। तो वो एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप उसी से काम करते रहेंगे तो आपकी जो क्षमता है वो घट जाएगी जी। तो कई बार ये नुकसान हमें नहीं दिखता लेकिन इसका नुकसान होता है। बिल्कुल। तो ये है बहुत छोटी चीज लेकिन इसका फर्क पड़ता है, यानी इसका जो असर है वो हमें एक लंबे समय बाद शायद अपनी जो मशीन है या कृषि यंत्र उसमें नजर आ सकता है। उस यंत्र को आप फेंक देंगे, उस औजार को आप नया खरीद लेंगे तो आपकी लागत तो बढ़ गई जी। तो इसीलिए अगर हम उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो अच्छा काम करेगा। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप लगातार कृषि यंत्रों का ख्याल रखेंगे तो बेहतर हम कह सकते हैं कि जो उसका परिणाम है वो आपको बेहतर मिल सकता है। और डॉक्टर साहब एक चीज मैं थोड़ा और बोलना चाहूंगा, जो हम कल्टीवेटर या डिस्क हैरो जो आजकल बहुत कॉमनली यूज बिल्कुल है आप सब जगह देखेंगे और उनको बाहर ही छोड़ देते हैं जी। ठीक है वो थोड़े सस्ते हैं, थोड़े सिंपल टूल्स हैं, लेकिन उनके अंदर भी बारिश और धूप से प्रभाव पड़ता है जी। वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं तो इसलिए हम नहीं सोचते कि इसका रख रखाव करें, लेकिन उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है जी। तो नट बोल्ट टाइट हो गई, टाइट टूटने के बाद कई बार वो टूट जाते हैं फील्ड के अंदर, जैसे आपने का काम करते हुए टूट गया, तब आपके पास फील्ड के अंदर, फार्म के अंदर, खेत के अंदर कोई चारा नहीं है उसको ठीक करने का। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम पहले ही उसकी थोड़ी सावधानी बरत लेंगे, रख रखाव कर लेंगे जी, और जहां हम उसको स्टोरेज या भंडारण कर रहे हैं उसका ध्यान रख लेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा जी। जाहिर तौर पर कितना देखिए असर जो है इसका आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि ये यंत्र हैं और खासतौर से जो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के साथ जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, हमारे जो किसान भाई हैं ट्रैक्टर का तो पूरा ख्याल रखते हैं जिससे वो अच्छा चलता रहे, लेकिन कृषि यंत्रों में शायद थोड़ी सी वो अनदेखी कर देते हैं। हाँ, ये कई बार अनदेखी कर देते हैं कि जंग लग गया तो चलने देते हैं, तो कई बार वो बाद में क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा जी। फिर आपको नया ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसकी मरम्मत कराना संभव नहीं रहता जी। तो अगर आप थोड़ा सा उसको जंग विरोधक जो है आप पेंट या इस्तेमाल कर लें या उसके ऊपर पेंट कर लें तो अच्छे भी लगेंगे। और जब भी आप इन जो भी मिट्टी वाले हमारे यंत्र हैं उनको हमेशा धो के रखें, अगर वो मिट्टी उनके ऊपर लगी रहेगी तो वो ज़्यादा ख़राब होंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर साहब ये भी माना जाता है कि जो खासतौर से हमारी थ्रेशिंग मशीन है, जो थ्रेशिंग का यंत्र है हमारा, वो जिस फसल के लिए है उसी फसल की उससे थ्रेशिंग की जाए, ऐसा ना हो कि जो अगर हम गेहूं की थ्रेशिंग कर रहे हैं उसमें हम दूसरी फसल की करने लगे, दलहन की कुछ करने लगे, तो इससे कितना असर जो है उसकी मशीन पर पड़ता है। जो हमारा जब थ्रेशर का ड्रम घूमता है उसकी एक स्पीड है जी, वो एक पर्टिकुलर चक्कों पे उसको घुमाना है, आरपीएम पे घुमाना है। अगर वो हम तेज या कम घुमाएंगे और उस फसल के अनुकूल नहीं है वो, तो उसका असर खराब पड़ेगा जी। तो हो सकता है कि उसके दानों को ही तोड़ दे, उसको उतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। तो इसीलिए जो आपका मैन्युफैक्चरर स्पीड बताता है तो आप उस हिसाब से उसके चक्कों को रखिए, उसके चक्रों को रखिए और उसके बाद उस मशीन को इस्तेमाल करिए, और जिस फसल के लिए उसको बनाया गया है आप उसी फसल के लिए इस्तेमाल करिए जी। अगर आपको बहुत सारी फसलें इस्तेमाल करनी है तो आप मल्टी क्रॉप थ्रेशर ले लीजिए जी। उसके अंदर आप कुछ सेटिंग करिए, उसके अंदर कुछ आप चेंजेस करिए और फिर आप उनको अलग अलग भिन्न भिन्न फसलों के लिए इस्तेमाल करिए। बिल्कुल। और शायद यही कारण है जैसा आपने कहा था कि अगर कोई फसल है उसके कुछ दाने भी फंस गए तो हो सकता है वो आगे समस्या कहीं ना कहीं किसान के लिए खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो जिस चीज़ जो फसल है आपकी, जिसको अगर उसके लिए आप थ्रेशर लाए हैं या तो उसी फसल की आप थ्रेशिंग उससे करें, वरना जो कई फसलों के लिए थ्रेशर है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ अगले दर्शक जो हैं वो जुड़ चुके हैं, शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो राम सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हमारे पहाड़ी इलाका है जी और छोटे छोटे खेत है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम मक्की की बिजाई करते हैं जी। मेरे पास सराची का एक टेलर है जी, उससे कोई मक्की की गुड़ाई कर सकते हैं हम, कोई निराई गुड़ाई? चलिए, आपके पास ट्रेलर क्या बोलो? हाँ, ट्रेलर मशीन है बीजने की। हाँ हाँ, देखिए तो मक्की का कोई वो मक्की की गुड़ाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि जिसकी आप उसकी प्लेट बदल सकें, क्योंकि मक्की का दाना थोड़ा मोटा है जी। हाँ। ठीक है, मक्की का दाना थोड़ा मोटा है तो वो गेहूं वाली मशीन आप नहीं चला सकते उसके अंदर, लेकिन हाँ अगर कोई आपके पास ऐसा आप छोटी सी उसके अंदर यंत्र को जोड़ लें जिससे कि आप मक्की की बुझाई है, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्लेट नुमा चाहिएगा जी, मीटरिंग मैकेनिज्म, अगर आप उस बीज को उससे बोएंगे तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी मशीन आपके आसपास अवेलेबल है या जो आपके पास ऑलरेडी है, क्या उसके अंदर हम कुछ अटैच कर सकते हैं जिससे कि मक्की की बिजाई हम कर सकें।
जी जाहिर तौर पर देखिए मक्के की जो बिजाई है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां आपके सामने होती हैं इसके लिए बेहतर यही है कि जो निकटतम आपके कहीं ना कहीं जो कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, चीज और मैं जोड़ दूं, जी कई मानव चलित इसके अंदर बुआई यंत्र अवेलेबल हैं, जी वो उपलब्ध हैं, ज़्यादा लागत भी नहीं है उनकी, उनसे आप मक्के की बिजाई कर सकते हैं जी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि छोटे छोटे खेत हैं जी और आपको ज़्यादा एरिया नहीं है, तो आप मानव चलित यंत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैनुअल टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर तौर पर उनका इस्तेमाल जो है हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमारे किसानों को ध्यान जो है वो अक्सर नहीं जाता, जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी ये सावधानियाँ हैं लेकिन आगे चलकर एक बड़ी समस्या भी बन जाती हैं, और ऐसे में जो खासतौर से और जो नए यंत्र आते हैं डॉक्टर साहब, क्या उनको आपको लगता है कि जो किसान हैं उनको पूरी जानकारी जो है वो समय रहते मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो तकनीक जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई करते हैं तो शायद वो एक नई तकनीक जो है एकदम से किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, ये बात मुकुल जी ठीक है कि रिसर्च से लेके फॉर्म तक जाने के लिए, खेत तक जाने के लिए कुछ समय लगता है, और उसके अंदर हम लोग जैसे किसान मेला, मैं तो पूसा से हूँ तो हमारे यहाँ किसान मेला रहते हैं जी, तो उसके अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो भी तकनीक डेवलप हुई है हम उसको डिस्प्ले करें, और वहाँ बहुत लार्ज नंबर में बहुत बड़ी संख्या में किसान आते भी हैं और वो देखते भी हैं, लेकिन कई बार इनकी कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो संस्थान है वो बहुत बड़े संख्या में इन उपकरणों को नहीं बना सकते, तो उसके लिए जब तक कि कॉमर्शियल वेंचर जुड़ नहीं जाता तब तक वो अवेलेबिलिटी उनकी समस्या रहती है जी। लेकिन हाँ, आजकल हमारे किसान बहुत जागरूक हैं, उनको पता रहता है कि कौन सी मशीन उपलब्ध है, कहाँ से उपलब्ध है और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर आदर्श, लेकिन एक पहलू हम ये भी इसका देख सकते हैं जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जैसे आपने कहा कि वो अगर उनका रखरखाव हम ठीक रखेंगे वो लंबे समय तक चल सकते हैं, और यहाँ पर ये भी अगर रखरखाव में थोड़ी सी भी अगर अनदेखी की गई या लापरवाही हुई तो शायद उसके लिए जो अगर किसान भाई जो है हमारे, क्योंकि मशीनें जो हैं उनका बीमा भी कभी कभी कराते हैं, या उनको कुछ किस तरह का हर्जाना अगर जो कंपनी है, जो मशीन कंपनी है, कृषि यंत्र कंपनी है, उनसे फिर शायद नहीं मिल पाता। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल रहता है जी। अगर कोई आपका वारंटी के अंदर है कोई मशीन तो उसको तो आप चेंज करा सकते हैं, कुछ उसके स्पेयर पार्ट्स को, उसके कलपुर्जों को कुछ बदलाव कर सकते हैं जी। या मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो आपके एरिया के आसपास उनके इंजीनियर अवेलेबल हैं वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा है जी। क्योंकि कई बार स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, आपको कोई पर्टिकुलर कलपुर्जा चाहिए वो नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। आप कोशिश ये करें जो भी मशीन आप खरीदें उसके जो सर्विस सेंटर हैं या उसके डीलर्स हैं या उसके स्पेयर्स हैं वो आपके एरिया में अगर उपलब्ध हैं तो उससे भी बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। बिल्कुल, अब जैसे उदाहरण के तौर पर सीड ड्रिल की हम खास तौर से बात करते हैं जो कि किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी है, इस तरह की जो कृषि यंत्र है हमारे, तो वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा हम कह सकते हैं अगर थोड़ी सी भी चूक हुई या रखरखाव किसानों ने सही नहीं किया तो इसका असर तो हम कहीं ना कहीं फसल पर भी देख सकते हैं। हाँ, फसल पर भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग सीड ड्रिल से एक मात्रा में हम सीड को बिखेर रहे हैं जी। अगर हमारा वो सिस्टम थोड़ा भी खराब होता है तो जो आप जितना सीड आप डालना चाहते हैं या तो ज़्यादा डलेगा या कम डलेगा, तो उसका नुकसान जो है एक तो सीड की आपका जो पैसे लगे आपको बीज के उसके अंदर होगा, और जैसा आप खेत में चाहते थे वैसा नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक केमिकल छिड़कने वाली मशीन है जी, मान लीजिए उसके अंदर कोई लीकेज हो गई कहीं से, वो उसका जो केमिकल है निकलने लग गया जी, उसके अंदर आपका जो केमिकल बहुत महंगा आता है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, अगर आप उसको उसका आपका वेस्टेज हो रहा है तो वो आपको नुकसान है जी, आपके पर्यावरण को नुकसान है उसके। बिल्कुल, क्योंकि आपका पूरा एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर वो केमिकल चला गया, वो जमीन पे भी गिरेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी नोजल या पंप ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, जिस तरह का आपको छिड़काव चाहिए जी, जो आपको ड्रॉपलेट का साइज चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा वो पौधे पे गिरेगा और नीचे ही चला जाएगा, पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कई बार अगर आपकी मशीन ठीक काम नहीं करी तो वो जो ऑपरेटर, जो किसान उससे काम ले रहा है उसके ऊपर भी वो छिड़काव गिरता है जी, तो वो उसकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल, तो इसमें पैसे की हानि, सेहत की हानि, पर्यावरण की हानि, इस सबको आप, और जो आपको कीटनाशक आप मान लीजिए दवाई छिड़क रहे हैं अगर वो इस्तेमाल कीट के ऊपर नहीं हो रहा तो उसका भी नुकसान है, वो अल्टीमेटली फसल के ऊपर भी नुकसान करेगा। बिल्कुल, और कभी कभी डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जो किसान है थोड़े से जागरूक हैं, जो शायद कोशिश करते हैं कि अच्छे से कृषि यंत्रों का रखरखाव वो कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ कई समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल पहले हम ले लेते हैं। रतलाम से हमारे साथ महेश जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत महेश जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, कृषि यंत्र के बारे में जानकारी लेनी थी, किससे संपर्क करें हम जी? किस यंत्र के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हाँ सर जी, कौन से यंत्र के बारे में आप विशेष तौर पर जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, एक तो ये अपने जो पशु रहते हैं ना उनके लिए वो चारा कटाई की मशीन और रोटावेटर। चलिए, चारा कटाई की मशीन और रोटावेटर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आप अपने जो भी यंत्र खरीदना चाहते हैं अपने फसल चक्र के अनुसार खरीदेंगे
जी, जो भी आपके इलाके में फसल हो रही है आप उसके हिसाब से कृषि यंत्रों का खरीदारी करेंगे। मैं दूसरा एक चीज़ और बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकारें, वो काफ़ी सब्सिडी अनुदान भी देते हैं जी। तो आप अगर इंटरनेट से थोड़ा सा परिचित हैं तो आप जाकर उसके ऊपर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से यंत्र उपलब्ध हैं, कितना अनुदान उपलब्ध है, और वो सब सर्टिफाइड मशीनें हैं जी। तो उनको आप खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर आपने कहा कि चारा काटने की मशीनें भी उपलब्ध हैं और ये कई BIS प्रमाणित भी उपलब्ध हैं। उसके अंदर सेफ्टी के प्रोविजन रखे गए हैं, अगर आप वो लेंगे तो वो भी अच्छी हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कलपुर्जे होते हैं वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी के हैं, तभी उनको BIS प्रमाण मिला हुआ है। अगर आप उस तरह की मशीनें लेंगे, वो दोनों तरह की हैं, वो मानव चालित भी हैं, बिजली से चलने वाली भी हैं, इंजन से चलने वाली भी हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कि कितना चारा आपको काटना है उसके हिसाब से आप वो मशीन खरीद सकते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है डॉक्टर आदर्श, क्योंकि जो मशीनें हैं और मशीनें जो हैं पूरी तकनीक के साथ चलती हैं, जब भी उनसे हमारे जो किसान भाई कुछ भी काम लेते हैं और वहाँ अगर सही से रखरखाव उनका नहीं होता या सही से अगर उनको नहीं चलाया जाता तो शायद वो नुकसान जो है उनकी सेहत को भी हो सकता है और उन्हें भी हो सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह की जो दुर्घटनाएँ हैं उनकी खबरें भी सामने आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगता है और किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं उन जब वो कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं और सावधानी उनको बरतनी चाहिए? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जो सुरक्षा है बहुत महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी मशीन का। देखिए, अब हम मशीनें हाई हॉर्स पावर की बनाई जा रही हैं और जब जब जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो उसके साथ जब भी कोई दुर्घटना होगी तो आपकी चोटें भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, यानी खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए सावधानी बरतना और मशीनों का सुरक्षित होना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप चारा मशीन पर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सुरक्षा के उपकरण लगे हुए हैं उनको आप लगे रहने दीजिए, कभी उनको जल्दी में काम करने के लिए निकालिए मत जी। क्योंकि हो सकता है कि 10,000 में एक ही चोट लगे, लेकिन वो एक चोट जो है वो एक आदमी को पूरी उम्र के लिए अपाहिज बना देती है। बिल्कुल, और इस तरह के उदाहरण कई बार सामने आते हैं, जैसा आपने चारा मशीन का उदाहरण दिया, कई बार हाथ करते थे जी। तो यहाँ क्या मान सकते हैं, सिर्फ रखरखाव की कमी है या जागरूकता की कमी नजर आती है? इसमें दोनों ही है, जागरूकता की, मैं कहता हूँ कि आप कभी भी जब भी आप काम करें आप ज्यादा थके ना हो, किसी भी नशे के उसमें ना हो, या कोई आपको अगर रोग है तब आप काम ना करें जी। अगर आप आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं है, तब आप काम ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये एक्सीडेंट को बढ़ावा दे सकती हैं जी। फिर मैं कहूँगा जो उसके ऊपर सुरक्षा उपकरण है वो लगे रहने दीजिए, अगर पतनाला है तो लगे रहने दीजिए आप। बिल्कुल, और मैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा सा पैसा और लगाएं और सुरक्षा को इम्पोर्टेंस दें, यानी वहाँ तवज्जो दी जानी चाहिए, वहाँ तवज्जो बहुत ज़रूरी है जी। अगर कोई BIS में ये कहा गया है कि इतना लंबा पतनाला हो तो कृपया करके आप उतना लंबा करें उसको, क्योंकि उसका एक महत्व है जी। अगर वो आप छोटा कर देंगे तो हाथ आपका ड्रम तक चला जाएगा। बिल्कुल, थ्रेशिंग ड्रम, तो एक बार आपका हाथ थ्रेशिंग ड्रम तक चला गया फिर कोई बचाव नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी हम देखते हैं कि जो किसान भाई हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती, मशीनें वो ले आते हैं, कृषि यंत्र ले आते हैं, और वो शायद कृषि यंत्र जो हैं वो मानकों पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतरते, जैसा आपने पतनाले का भी उदाहरण दिया, ऐसे में उनको क्या करना सही रहेगा? मैं तो ये कहूँगा कि आप BIS सर्टिफाइड या जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के उपकरणों की लिस्ट है आप उन्हीं में से खरीदें। बिल्कुल, क्योंकि वो प्रमाणित है, उनको एक प्रमाण पत्र मिला है और वो एक इंस्टीट्यूशन देता है या टेस्टिंग सेंटर देता है, और वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर जो जो मानक हैं वो पूरे हुए हैं जी। तो उसके अंदर वो क्वालिटी और सेफ्टी दोनों का ही पर्याप्त होती हैं वो जी। अगर आप उस तरह के उपकरण खरीदेंगे तो वो लंबे समय तक, हो सकता है कि वो थोड़े महंगे हों, लेकिन वो सुरक्षित रहेंगे, लंबे समय तक आपका साथ देंगे, यानी लंबे समय तक फायदा आपको लगातार मिलता रहेगा। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो केदार जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं जानना चाह रहा हूं। जी नमस्ते सर। नमस्कार केदार जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको?
संपर्क फिलहाल हमारा केदार जी के साथ टूट चुका है। और यहाँ अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, क्योंकि कई दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, क्यों एक जागरूकता उनमें भी नज़र आती है जो तकनीक है उसको अपनाने की, जो मशीनीकरण की हम बात करते हैं, कृषि यंत्रों की हम बात करते हैं, तो किसान जो है अब जागरूक तो हो रहा है, लेकिन रखरखाव की बात की जाए, प्रशिक्षण की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि कितना यहाँ पर और ज़्यादा जो किसान हैं उन्हें थोड़ा सा और आगे निकल कर इस बारे में जानकारी लेनी होगी? मुझे लगता है कि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है प्रशिक्षण देने का, जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी उपलब्ध है जी। अगर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन भी इनकरेज होते हैं, उनको भी उत्साह मिलता है। अगर उनको एक कोई मान लीजिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके अंदर बहुत लार्ज नंबर में बहुत बड़े संख्या में लोग आते हैं जी, तो वो भी आगे उसको बढ़ाते हैं बिल्कुल। और हमें किसानों से पता चलता है कि इस चीज़ की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि इस चीज़ की जरूरत है, एक्चुअली उस चीज़ की जरूरत नहीं होती जी, बिल्कुल। तो कई बार हम उनके फीडबैक से इंस्टीट्यूशंस को पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइम जी। तो उस तरह की ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और उसका लाभ जो है किसानों को डायरेक्टली मिलेगा जी, सीधा लाभ जो है देखिए किसानों को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके अनुभव की हम यहाँ अगर बात करें, आपका अनुभव क्या कहता है कि कितनी ज़्यादा समस्याएं जो हैं रखरखाव को लेकर वो किसानों के सामने आती हैं? मुझे लगता है कि काफ़ी हैं जी, मुझे ये लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार उपलब्धता के बारे में भी आपसे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैथल से करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो करण जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? कोशिश लगातार हम कर रहे हैं कैथल से फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं इनसे संपर्क करने की। करण जी आवाज मिल पा रही आपको? संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है और कभी कभी जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे यंत्रों में कुछ जो दिक्कतें हैं वो आ जाती हैं। लेकिन अगर खासतौर से देखा जाए, जैसे आपने कहा कि जो अनुभव है वो यही दिखाता है कि रखरखाव में कहीं कमी होती है और नतीजा बाद में नज़र आता है कि मशीनें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। खराब हो गई। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप ट्रैक्टर इस्तेमाल करें, आप जो हवा का दबाव टायरों में अगर ठीक रखेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे जी। अगर आपका हवा का दबाव ठीक नहीं होगा तो उनके अंदर खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं जी, बिल्कुल। और आप सिर्फ यही नहीं, जो ट्रैक्टर की पावर है वो भी उस हवा के दबाव पे निर्भर करती है जी। मतलब अगर हवा का दबाव ठीक है तो उसका कॉन्टैक्ट एरिया जितना वो जमीन के ऊपर टच करेगा उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी है जी। तो आपको ये चाहिए कि जो आपके निर्माता ने बताया हुआ है उस तरह का दबाव रखें आप बिल्कुल। और अगर जब आपको कम की आवश्यकता है तो कम भी करें, और अगर आप उसको पडलिंग या पानी भरे खेत में कर रहे हैं तो उसके अंदर केज भी लगाएं जी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर उसकी थोड़ी जागरूकता रहेगी और किसान उसको फॉलो करेंगे जी, तो मुझे लगता है कि उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जी। काफ़ी फ़ायदा देखिए हमारे किसानों को मिल सकता है और आप जो जानकारी दे रहे हैं वो भी किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी। और यहाँ पर जैसे आपने अलग अलग मशीनों के बारे में तो हमें बताया ही, साथ ही अगर हम देखते हैं जो सिंचाई के लिए जो कृषि जो यंत्र है हमारे उनका प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंकलर की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर किस तरह की रखरखाव की हमारे किसानों को ज़रूरत है? उसके अंदर भी आपको जो है जो भी घूमने वाले हिस्से हैं उनका ध्यान रखना है जी, और जो प्रेशर जितना चाहिए उस प्रेशर पे आप उसको ऑपरेट करें। जो भी आपकी पाइपलाइंस हैं उनको आप जब भी आपका काम खत्म हो गया है तो उनको आप सुरक्षित रखें जी, जिससे कि वो खराब ना हो, क्योंकि उनके वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। अगर उनके अंदर कहीं लीकेज हो जाता है, कहीं छेद हो जाते हैं तो आपको इस चीज़ का नुकसान होगा, क्योंकि प्रेशर जो है आपका वो ड्रॉप कर जाएगा जी। तो इसलिए जो भी उससे संबंधित जानकारी है उसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये सब चीज़ या जो इंजीनियर आपको इंस्टॉल करने आया है वो जो चीज़ें बताता है आप थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे तो इससे आपको वो अच्छा कार्य करेंगे बिल्कुल। देखिए मशीनें तो अच्छा कार्य कर सकती हैं जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कृषि यंत्र हैं उनमें कोशिश उनकी रहती है कि अपने स्तर पर ही वो उसको ठीक कर लें, यानी अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो शुरुआत हो जाती है उसके पूरा जांच जो है वो घर पे कर लेते हैं और नतीजा ये होता है कि शायद जो मशीन है या कृषि यंत्र है वो और आगे काम कर ही नहीं पाता। ये उनकी शायद मजबूरी है जी, क्योंकि कई बार जैसे आप किसी मैकेनिक या टेक्नीशियन को चाहते हैं कि वो ठीक कर दे लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता जी, उस एरिया में उपलब्ध नहीं है या आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो किसान अपने आप ठीक करते हैं, ये उनकी मजबूरी है, मतलब उनको करना ही पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास, मैंने जैसे पहले बोला था, जब भी आप कोई उपकरण खरीदें आप ये ध्यान रखें कि उसका डीलर, उसका सर्विस सेंटर अगर आपके इलाके के आसपास होगा तो उसका आपको एक फ़ायदा मिलेगा। अगर वो आपके खेत में आके उसको ठीक कर देता है तो ये बहुत बड़ी बात है, या आपको भी अगर वो लेके जाना पड़ता है किसी आसपास तब वो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा जी। अगर वो आप अपने आप ठीक करते हैं, कई बार जो अब अच्छी मशीनें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनें उनको आप ठीक नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग, स्पेशलाइज इंजीनियर, स्पेशलाइज मैकेनिक ही उसको ठीक कर सकते हैं।
जाहिर तौर पर, और ये लगभग हम ऐसे मान सकते हैं जैसे जो किसान को बताया जाता है, और किसान हमारे करते भी हैं, जिस फसल की मांग ज़्यादा रहती है उसका उत्पादन ज़्यादा रहता है, तो ऐसे भी यहाँ पर उनको ख्याल रखना होगा। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं वो बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर ज्यादा ही तो था, वो बंद भी हो जाता है और बाजी वाले टाइम पर उसकी पंप चली जाती है। जो ट्रैक्टर है आपका उसमें कुछ आपको लग रहा है खराबी आ रही है? बताया उन्होंने कि जो बंद है वो शायद जल्दी जल्दी हो जाता है जब उसका प्रयोग करते हैं। देखिए आप पंप में कुछ खराबी है, उसकी सर्विसिंग कराइए। आपका जो एयर क्लीनर वगैरह है उसको आप साफ रखिए, उसके अंदर जो ऑयल है उसको बदल लीजिए। कई बार उसके अंदर बहुत मिट्टी इकट्ठी हो जाती है जी, तो आपकी हवा प्रॉपरली नहीं जाती जी। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि एक बार आप अपने इंजन को भी ओवरऑल करा लीजिए, उसकी एक बार सर्विसिंग करा लीजिए, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उसको जहाँ भी कुछ चीज़ें बदलने वाली होंगी उससे बहुत फर्क पड़ेगा जी। ज़ाहिर तौर पर देखिए कितना फ़र्क जो है वो आपको पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि अगर आपकी जो मशीनरी है या कृषि यंत्र है वहाँ पर किसी तरह की रखरखाव में कमी आई है, तो वहाँ पर आपका ना सिर्फ लागत जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है, समय आपको ज़्यादा लगता है। अगर कोई मशीन, अगर आप किसी फसल की कटाई भी कर रहे हैं तो उस कटाई में शायद आपकी उम्मीद के मुताबिक कटाई नहीं होगी, उसके लिए वक्त भी ज़्यादा लगेगा, और ज़ाहिर तौर पर आपका जो खर्चा है वो भी ज़्यादा आ सकता है। इसलिए ज़रूरी यही कि आप अच्छे से जो आपकी मशीनरी है उसका रखरखाव करें। और जहाँ तक बात आती है डॉक्टर साहब और जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो मानव चलित यंत्र हैं या बिजली चलित यंत्र हैं, तमाम यंत्रों में खास बात यही है कि ना सिर्फ आपको सावधानी रखनी होगी बल्कि अगर जो हमारे किसान हैं खुद से सावधान रहेंगे तो शायद और जो पहलू आगे वो थोड़े से कम हो जाते हैं, फिर पहले उनकी सावधानी ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं तो इतना कहता हूँ कि मान लीजिए बिजली के कोई यंत्र हैं आपके, तो कई बार हम तारों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जी, तो अगर वो कट फट जाती हैं तो उससे भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है हमें। बिल्कुल, कई बार हम लोग तारों को प्लग में ऐसे ही डाल देते हैं, वहाँ पे कुछ स्पार्क हुआ, चिंगारी निकली, उससे भी आग लग जाती है। कई बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, अखबारों में पढ़ते हैं कि सिर्फ स्पार्क की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान। कई बार आपकी फसल बिल्कुल सूखी हुई है जी, और वहाँ पे कोई किसी तरह का स्पार्क हो जाता है तो बहुत बड़ी नुकसान हो जाता है। तो आप, ये है बहुत छोटी बात, मान लीजिए आपने जो बिजली चालित यंत्र हैं अगर आप उनकी तारों को लपेट कर थोड़ा सा बांध कर अच्छी तरह से रख देंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। अगली बार जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कट ही नहीं होंगी, या जहाँ भी कट जाए आप टेप का इस्तेमाल करें। कई बार हम कपड़ा बांध देते हैं या कुछ इस तरह की चीज कर देते हैं, ठीक है वो मजबूरी है कि वहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजें हैं आजकल, क्योंकि टेप वगैरह बहुत आराम से मिल जाती है, अगर आप थोड़ा सा रख लेंगे इन स्पेयर पार्ट्स को, इस तरह की चीजों को, तो इससे ये आपको बहुत सुविधाजनक रहेगा। बिल्कुल, सुविधा देखिए हमारे जो किसान भाई उनको हो सकती है स्पेयर पार्ट का, जैसा आपने बताया कि एक जो अक्सर समस्या आती है वो स्पेयर पार्ट को लेकर रहती है, तो इसके लिए हम मान सकते हैं जो किसान हैं जब कृषि यंत्रों को ले रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि उनके नज़दीकी जो क्षेत्र है वहाँ पर उसकी जो उपलब्धता है वो कम से कम उन्हें मिल सके। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर जो चीज़ें आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं उनको आप लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है काम करते समय तब आप अगर लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी नुकसान रहता है, समय का नुकसान हो जाता है। अगर आपके पास उपलब्ध है कोई वॉशर है या कोई नट बोल्ट्स हैं, अगर आप उनको अपने पास रख लेते हैं तो उनको आप तुरंत बदल सकते हैं जी, तो वो एक बहुत बड़ा आपको आराम रहेगा उसका। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर, और जैसा आपने अभी बताया कि क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है उससे कहीं ना कहीं वो तमाम यंत्र जिनमें प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम देखते हैं जब बारिश का मौसम रहेगा वहाँ पर और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इन यंत्रों के लिए? देखिए बारिश के अंदर अभी आप, मैं फिर वही कहूँगा कि जब भी आप रखें शेड में रखें, छत के नीचे रखें, क्योंकि पानी के संपर्क में आके, मान लीजिए आप अगर आप एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का ही अगर हम उदाहरण लें, उसके अंदर बक्से हैं, अगर उसके ऊपर ढक्कन है तो ठीक है, अगर वो ढक्कन नहीं है तो उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, और अगर पानी इकट्ठा हो गया और आपने उसको निकाला नहीं तो उसी के अंदर वो जंग लग जाएगा। तो ना केवल उसकी जो मेटल की शीट है वो खराब हो जाएगी बल्कि जो आपके नीचे वाले रोलर वगैरह हैं वो भी खराब हो जाते हैं जी। तो अगर थोड़ा सा हम, या उसके ऊपर अगर आप छत पे नहीं, छत के नीचे नहीं रखना चाहते, उसको पॉलीथीन से कवर कर दें या तरपाल से उसको ढक दें तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, उसको ढककर पूरी तरीके से आप रखें, और जहाँ पे आपको लगता है कि जंग लगने का कुछ है, लग सकता है, तो वहाँ आप थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, पुराना तेल लगा दें जी, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। कोशिश आपको यही करनी होगी जो जंग की समस्या है उससे भी आपका जो कृषि यंत्र है पूरी तरीके से बच सके। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हेलो सर जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना? सर मैं ये कह रहा हूँ कि प्लाऊ लेने थे हमको, कितने रुपए की पड़ेगी, एग्रो पर सब्सिडी क्या होगी? कौन से यंत्र के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? प्लाऊ सर, वो पलटी वाली, मिट्टी पलटने वाली।
मिट्टी को पलटने के लिए जो यंत्र है डॉक्टर साहब, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि अगर इनको खरीदना है तो उसके लगभग कितना खर्च उसके लिए इनको करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से मिट्टी पलटने का, आप मोल्ड बोर्ड प्रोब खरीदना चाहते हैं या डिस्क प्लॉ खरीदना चाहते हैं, तवियों वाले जो यंत्र हैं, या आप कल्टीवेटर खरीदना चाहते हैं, डिस्क हैरो खरीदना चाहते हैं, और कितना बड़ा खरीदना चाहते हैं, मतलब कितनी उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखना चाहते हैं जी, तो वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। बिल्कुल, और ये भी काफी, जैसा कि आपने कहा कि जो कितना बड़ा खरीदना है, यानी जो आकार है वो काफी और आपके पास कितना बड़ा ट्रैक्टर है उसके अनुसार ही आप खरीद पाएंगे, ऐसे नहीं जी। और अक्सर ये भी एक कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बात रहती है कि जो ट्रैक्टर है शायद उतना हॉर्स पावर का जो कृषि पावर मैचिंग जरूरी है, उसको वो सहारा दे पाएगा या नहीं, उसकी शक्ति के अनुसार खरीदे जी। तो इसके लिए देखिए ये भी बेहद जरूरी कि जितनी शक्ति आपकी जो ट्रैक्टर है उसमें हो, उसके बाद ही हम मान सकते हैं कि कोई भी कृषि यंत्र है वो जरूर खरीदें, और जब भी यंत्र खरीदने जाएं तो उसके लिए पूरी जानकारी भी इकट्ठा कर लें। हाँ, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये कई यंत्र जो निर्माता हैं बहुत अच्छे यंत्र बना रहे हैं जी। आप कोशिश करें और ये देख लें कि जो आपके आस पड़ोस में यंत्र चल रहे हैं जिनसे लोग सेटिस्फाइड हैं, आप उसी को खरीदें। बिल्कुल, देखिए जहाँ आपको लगता है कि अगर आपको कृषि यंत्र की आवश्यकता है आप उनको खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जांच जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है। अच्छे से जांच आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही जो कृषि यंत्र है उसको खरीदें, और उसके बाद उसके रखरखाव के लिए या प्रशिक्षण के लिए जो है ज़रूर बात करें, प्रशिक्षण उस मशीन के लिए ज़रूर लें, और उसके साथ साथ उसका रखरखाव करना भी आप सीखेंगे तो अच्छे ढंग से वो ना सिर्फ कृषि यंत्रों का प्रयोग कर पाएंगे बल्कि लंबे समय तक जो ये कृषि यंत्र हैं आपको फ़ायदा दे सकेंगे। साथ ही डॉक्टर साहब, आपने प्रशिक्षण के बारे में बताया, और किस तरीके से अगर हम बात करते हैं संस्थान की अलग अलग जगह पर जो हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र भी क्योंकि हर जिले में है, क्या वहाँ भी जो मशीनरी है या हमारे कृषि यंत्र हैं इनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है जी, दिया जाता है, वहाँ पे भी अभियंत्रिकी संभाग के लोग रहते हैं, तो अगर आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो आप वो सब बता भी देते हैं, और बाकी जो एग्रीकल्चर मशीन के टेस्टिंग सेंटर हैं उनके अंदर भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी कई बार इन ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उसके अंदर भी आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, यानी देखिए समय समय पर कोशिश यही रहती है, अगर एक तरफ मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं जो किसान हैं इन मशीनों को ना सिर्फ देखें समझें बल्कि इनकी जानकारी को भी अपना सकें। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी यही कि जो हमारे किसान भाई हैं उससे जानकारी को समझ सकें, अपना सकें, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि समय समय पर जो प्रशिक्षण है वो आयोजित किए जाते हैं अलग अलग जो संस्थान है उनमें, कृषि विज्ञान केंद्र उसके अंदर, बल्कि स्कॉलरशिप भी मिलता है, आप जाके वहाँ रहेंगे, आपका रहने वगैरह का भी इंतजाम जो है सरकार की तरफ से होता है। बिल्कुल, तो देखिए और कितना फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है, ना सिर्फ जानकारी आपको मिलेगी बल्कि अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ और ज़्यादा खर्च हो जाएगा अगर आप प्रशिक्षण लेने जाएंगे तो ऐसा कतई नहीं है, आपके लिए व्यवस्था जो है संस्थानों में की जाती है, लेकिन आपको जानकारी ज़रूर लेनी होगी, और ये जानकारी आप अपने ज़िला स्तर पर भी ले सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हम डॉक्टर साहब ये मान सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें एक कदम थोड़ा सा और आगे आना होगा और इस जानकारी को लेना होगा। इस जानकारी को अगर वो ले लेंगे तो मुझे लगता है कि वो कस्टम हायरिंग के अंदर भी आ सकते हैं, खासकर मैं युवा किसानों से कहूंगा कि अब जो मशीनीकरण इतना बढ़ रहा है और हर एक किसान महंगी मशीन नहीं खरीद पाएगा, अगर वो मशीन कहीं एक जगह मशीन बैंक की तरह उपलब्ध है तो वो उसको वहां से ले लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और वापस कर देंगे जी, या वहीं के जो लोग हैं वो उनको चलाएंगे, मेंटेन करेंगे, रखरखाव करेंगे, और किसान के खेत में चलाकर वापस अपने बैंक में दे देंगे। ये भी एक अच्छा विकल्प है, देखिए अच्छा किसानों के लिए हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं मशीनों के प्रति आपका लगाव भी है और आप उनका प्रयोग भी करना चाहते हैं तो आपको जरूरत नहीं कि आप कोई भी बड़ी मशीन को खरीदें, बल्कि कस्टम हायरिंग योजना जो है इसके तहत भी आप उस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मशीन हो, कोई भी यंत्र हो, उसका रखरखाव बेहद ज़रूरी, और इसके साथ साथ आपको ख्याल रखना होगा जो आपका अनाज है वो सुरक्षित ढंग से उसका भंडारण आप करें जिससे उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। और आज डॉक्टर आदर्श आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। साथ ही हमारे दर्शक भी बेहतर ढंग से जान पाए होंगे कृषि यंत्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं कैसे उसका रखरखाव करना है, इसके साथ साथ जो आपका अनाज है उसका भंडारण बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको हम हमारा कल का जो विषय है वो भी बता देते हैं, कल के इस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। कल के विषय रहेंगे मधुमक्खी पालन और मछली पालन। तो ये तो बात हुई कल के विषय की, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ अपना सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं किसी विषय पर तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और वहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर आप छोड़ सकते हैं।
और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण विकल्प हमारे किसान भाइयों के लिए किसान कॉल सेंटर का नंबर आप नोट कर सकते हैं, इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। बताएंगे आपको और किस तरीके से आपकी जो आय है वो दोगुनी हो सकती है, आपकी जो लागत है वो कम हो सकती है, बशर्ते आपको जानकारी हो। और उसी जानकारी को देने के लिए सोमवार से शुक्रवार आते हैं हम, आपको जानकारी देते हैं। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।